सो गाइज आज इसको हम फीस्ट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों एक दिन रखे, मतलब पूरा रात भर पूरा जैसे रोते रहा, मैं कहाँ चला आया इसे सोच रहा था, शायद अकेला हो गया। तो इसको आज हम फीस्ट बनाएंगे, मतलब रांधेंगे। देखो सारे सामान लेकर आए हैं, बच्चे लोग पकड़े, कल जितने लोग थे उतने लोग ही है। ओके तो इसको बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम पुरातन स्टाइल, मतलब शुद्ध गांवली स्टाइल में रांधेंगे दोस्तों इसको, और कैसे असल टेस्ट होता है इसको आज हम टेस्ट करेंगे। ओके, क्योंकि देसी मुर्गी का टेस्ट तो हर कोई किए है और उन लोग को पता है देसी मुर्गी का झोल कैसे होता है, लेकिन जंगली मुर्गी की फॉरेस्ट हैन का झोल कैसे होता है, इसका चिकन कैसे होता है, इसको खाकर हम टेस्ट करके देखेंगे आज। ओके, कैसे रांधना है और कैसे इसको पूरा अलग करना है, पूरा सारे के सारे हम प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहना। ओके, कहीं ना कहीं लगता है कि हमको आज के वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके तो चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो इसको पूरा तरीके से बनाएंगे दोस्तों, पूरा देसी स्टाइल में, पूरा पुरातन स्टाइल में। ओके तो दोस्तों, इसको अगर पूरा इसका असल जूस अगर टेस्ट करना चाहते हो आप लोग, तो इसका स्किन लेस मत करिए कभी भी। ओके, चाहे बटर हो या फिर जंगली मुर्गी हो या फिर देसी मुर्गी हो, आप अगर कभी भी रांधते हो घर में हो या फिर बाहर में भी, तो ये सब के सब निकल दीजिए, ऐसे खींचिए। ओके, और आग में थोड़ा जलाइए। ओके, उसके बाद ये लेस सब हटने के बाद इसका कभी भी स्किन लेस मत करिए, पूरा स्किन अगर निकल दोगे तो असल टेस्ट नहीं आएगा। ये पूरा ये सिर्फ ये ऊपर वाला ये लेस ही निकाल के फेंकना है, और पूरा स्किन का साथ ही काटना है, और पूरा असल में बनाना है, ताकि पूरा असल टेस्ट आएगा दोस्तों। ओके तो हम ठीक वैसे ही बनाने वाले हैं दोस्तों आज, तो चलो कैसे होता है देखते हैं। ओके, रांध के देखते हैं। ओके, और टेस्ट भी करते हैं। ओके तो चलिए रांधना शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, पूरा कटिंग करके पूरा तैयार हो गया। ओके, इसको हम ना पूरा गांव का देसी स्टाइल में रांधेंगे। तो रांधने के लिए क्या करेंगे हम, ना ही अदरक लहसुन पेस्ट या फिर जो नॉनवेज पेस्ट, ना ही चिकन मसाला, कुछ भी नहीं मिलाएंगे दोस्तों, सिर्फ चिकन ही होगा। ओके, उसके साथ साथ हमारे पास ये जो तीन चार चीज़ें हैं इसको ही मिलाकर पूरा रोस्ट करके बनाएंगे। तो चलो इसको हम डाल देते हैं। ओके, चिकन को सबसे पहले कांचा मिर्च डालेंगे। ओके, देखिए फुटन वगैरह कुछ नहीं दोस्तों, ये अगरा वगैरह ये वो सब कुछ नहीं, ये लहसुन और प्याज है। ओके, उसके बाद सूखा हुआ मिर्च, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे, पूरा ऐसे करना है। देखिए दोस्तों, मतलब देसी स्टाइल में और पूरा नॉर्मल चीज़ें ही डाला जाता है। और ये सब क्या क्या है देखते हैं थोड़ा सा, ये नमक है। ओके, देखिए ऐसे करके एक बार टेस्ट करो, आप बार बार करने के लिए मन होगा। और ये क्या है, हल्दी का पाउडर। ओके, थोड़ा सा डालेंगे, अगर आपका पास तेल हो तो थोड़ा सा डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा, ना ही यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट या फिर नॉनवेज पेस्ट, चिकन मसाला ये सब का, या फिर जो मिर्ची का पाउडर, ये कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। ओके, सिर्फ इतने से हो जाएगा काम। अब हो गया दोस्तों, इसको हम पूरा मिक्स कर देंगे। ओके, और उसके बाद चूल्हे में बैठा देंगे। ओके, उसके बाद ढक्कन ढक देंगे। हो गया दोस्तों, अभी आग लगाना शुरू कर देंगे। ये चूल्हे में आग लग रहा है दोस्तों, लकड़ी के साथ मतलब भयंकर टेस्ट होगा। ओके तो चलो एंड तक देखते हैं। लगा भाई आग लगा जल्दी लगा। देखिए दोस्तों पूरा रोस्ट होने लगा है। ओके, दो चार मिनट के बाद पानी धीरे धीरे डालोगे, हल्का। वाओ, फंटास्टिक हो रहा है ना। तो चलिए इसको थोड़ा हल्का। हो गया जो पूरा लगभग तैयार हो गया। ओके, आइए देखते हैं। वाओ, पूरा फंटास्टिक हो गया। देखिए दोस्तों कितना रोस्ट हुआ है, ज़्यादा जूस भी नहीं हुआ है, देखिए बढ़िया तरीका से हुआ है दोस्तों, देखिए। तो चलो इसको हम नीचे उतरते हैं। ठंडी होने देते हैं। ओके, कुछ समय उसके बाद टेस्ट करेंगे। सो गाइस, हम जूस थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। बच्चे लोग अक्सर मैंने जिस तरीके से रांधा है वो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, तो थोड़ा टेस्ट करेंगे। कैसे तो हम फाइनली हम करते हैं। माइंड ब्लोइंग दोस्त, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग एक बार जरूर ऐसे कर रांधना, आप जो भी चिकन हो एक बार अगर रांधना, रांध के देखना, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट में बताना। ओके, बढ़िया टेस्ट है दोस्तों। आप लोग एक ही चिकन रांधने में जैसे कि 1200-1500 रुपया खर्च कर देते हैं, उतना टेस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन ये पूरा 0 रुपया में इन्वेस्ट में पूरा कमाल हुआ है। ओके तो देखिए जूस का कलर थोड़ा देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। ओके तो चलो हम खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया। सो गाइस, हम खाना अभी बरसते हैं। ओके,
लाइन से बैठो भाई। देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया, और देखिए चिकन भी देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ और कितने कितने हुआ है, देखिए खा रहे सब के सब, पूरा चौका पिला मार के आराम से, देखिए ऐसे खाने लग गए हैं वो तो लोग। ओके तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो कैसे रहा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके और वीडियो में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग आए तो छोटा सा एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नया है तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ओके तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर अप करते हैं। नमस्कार, वंदे मातराम, जय हिंद।